इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें पता है हमारे जो हेयर हैं उनकी उनकी कुछ स्ट्रेंथ है जिसको हम अगर उसके एंड पॉइंट तक स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता ठीक है सो दिस इज़ नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हेयर द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया दैट अ हेयर कैन विथ स्टैंड वाइल बींग स्ट्रेच्ड और पुल्ड बिफोर ब्रेकिंग इट इज़ नोन एज हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ एक हेयर को हम जितनी मैक्सिमम जितनी देर तक मतलब जितने स्ट्रेस लगा सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया जितनी तेज खींच सकते हैं कब तक जब तक वो ब्रेक नहीं हो सके कब तक वो विथ स्टैंड कर पा रहा है द स्ट्रेचिंग इज नोन एज द हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ फैक्टर्स अफेक्टिंग हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होंगे एज सेक्स जेनेटिक्स कलर मॉइस्चर एंड द केमिकल ट्रीटमेंट हम सबको पता है कि एज वेरी करती है हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ जब छोटे बच्चों का और जो मतलब बहुत बड़े लोग होते हैं उनका हेयर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी करता है ठीक है नेक्स्ट वी हैव द सेक्स और द जेंडर अगर मतलब कि अगर फीमेल्स हैं और मेल्स हैं तो उनमें दोनों के हेयर टैंड साइज स्ट्रेंथ में फर्क होगा एक तो बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ हेयर भी होता है ठीक है जितने लंबे होते हैं उतने टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है ठीक है और जितने शॉर्ट हेयर है होते हैं उतने टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ठीक है सो नेक्स्ट होता है जेनेटिक्स अब हमारे अगर पेरेंट्स के बाल ज़्यादा मजबूत हैं और उनके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो इट देर आर चांसेस के जो उनके ऑफ होंगे उनके भी हेयर विल बी ऑफ गुड क्वालिटी नेक्स्ट वी हैव द कलर तो अगर हमारे स्किन मतलब ये जो कलर एंड केमिकल के, इस कलर में आ जाएगा अगर हम एक्सटर्नली मतलब कलर करा रहे हैं बाल तो जो हमारे हेयर हेयर की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है मॉइस्चर हमारे हेयर में कितना प्रेजेंट इट विल आल्सो एफेक्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ नेक्स्ट इज द केमिकल ट्रीटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्मूदिंग हो गई रीबर्निंग हो गई तो ये सारे जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये क्या करते हैं जो हमारे हेयर की हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं और इस वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है टू बियर द स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ठीक है इम्प्रूविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हेयर अब हम अपना जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है हेयर की हम अपने उसको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं स्लो डाउन द हीट हमारे बालों को जो हीट हम देते हैं वो थोड़ी कम करें लाइक like, स्ट्रेटनिंग हो गई कर्लिंग हो गई या फिर हेयर स्टाइलिंग होती है अलग अलग वो हम थोड़ा कम करके वी कैन मेक आर हेयर स्ट्रांग ठीक है नेक्स्ट इज द बूस्ट विटामिन इंटेक हम अपनी डाइट में थोड़ा विटामिन का इंटेक बढ़ाएं तब बूस्ट प्रोटीन इंटेक थोड़ा प्रोटीन बढ़ाएं अपनी डाइट में तब ऑल्सो वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ आर हेयर नेक्स्ट इज लो सल्फेट शैम्पू हम थोड़ा कम सल्फेट वाला शैम्पू यूज करें जैसे उसमें बहुत मतलब जो शैम्पू होते हैं इसका हम ऐसे पहचान सकते हैं बहुत ज़्यादा लेदर जो बनाते हैं फोम बहुत ज़्यादा बनाते हैं दे आर द हाई सल्फेट शैम्पू तो जो कम लेदर बनाते हैं वो होंगे हमारे लो सल्फेट शैम्पू और उसके बाद कूल तो ड्रिंक्स मतलब हम उसे थोड़ा ठंडक में ही सुखाएं यानी ड्रायर यूज़ करके वी आर ऑलवेज ड्राइंग आर हेयर ठीक है इन जनरल ह्यूमन हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी मेगा पासकर्स एंड अ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 140 फोर्टी टू वन सिक्सटी मेगा पासकर यह एक जनरल रिसर्च डेटा है ठीक है इट कैन बी मेजर्ड बाई मिनियेचर टेंसाइल टेस्टर टेबल टॉप टेस्ट मशीन और कैप्सटन एक्सेट्रा द अप्रोचेज फॉर एवेलुएटिंग द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज आर अब हम क्या क्या प्रॉपर्टीज से अपना जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर हम इवेलुएट कर सकते हैं फर्स्ट वी हैव द वाइब्रेशनल मैथड्स अ फाइबर इज अटैच टू अ बीम विद अ नॉन नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो हमारा फाइबर है हेयर का उसको हम अटैच करते हैं एक बीम से जिसकी हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पता होती है एंड टेंशन विज अप्प्लाई टू द फाइबर फिर हम उस पर टेंशन अप्लाई करते हैं मतलब उसे खींचते हैं थोड़ा ठीक है द बीम इज देन डिफ्लेक्टेड and the form the change in oscillation frequency compared to the natural resonant frequency of freely vibrating beam on can uh, one can evaluate the elastic module of hair fiber theek hai usse kya hoga to jo beam hai wo hamari deflect hogi theek hai jisse jo normal uh, frequency oscillation हमें मिल रहे हैं वो deviate हो जाएंगे वो different होने लगेंगे जो पहले आ रहे थे उससे अलग आने लगेंगे ठीक है उससे क्या होगा we will the frequency of the freely beam ठीक है जो free मतलब फ्रीली वाइब्रेटिंग बीम थी जो पहले वाली उससे नेचुरल थी वो हमारी ठीक है तो जो अब जो मिल रहा है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा सा उस पर फोर्स लगाने के बाद वो उससे डिफरेंस वेरिएट करेगी जिससे हम इलास्टिक मॉड्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे उस फाइबर का ठीक है क्या कितना डिफ्लेक्शन मिला उससे नेक्स्ट इज द स्ट्रेस रिलैक्सेशन दट टेक्निक इन विच अ फाइबर इज स्ट्रेच टू अ गिवन लेंथ ट्रीटेड एंड मेंटेन एट स्ट्रेच लेंथ वेल द डीकेंग स्ट्रेच इज़ फॉलोड विद टाइम ठीक है इसमें क्या करते हैं हम फाइबर को स्ट्रेच करते हैं कुछ लेंथ तक ठीक है फिर उसे ट्रीट करते हैं एंड मेंटेन एंड स्ट्रेच एट द लेंथ और उसके बाद जो डिकेइंग स्ट्रेंथ है उसको हम उसी टाइम के लिए फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं स्ट्रेच रोटेशन इन दिस टेस्ट द इलोंगेशन ऑफ हेयर अंडर स्टीडी इंक्रीजिंग लोड टुगेदर विद अ रोटेशनल मूवमेंट इज़ डन सबसे इसमें क्या हो रहा है हमारा जो हमारा स्ट्रेच रोटेशन है इस टेस्ट में वो हो रहा है हमारा कंटिन्यूसली ठीक है फिर वो जो हमारा लोड है वो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के बढ़ता रहता है टुगेदर विद अ रोटेशनल मूवमेंट मतलब रोटेशनली तो घूम रहा है वो और जो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा बढ़ता रहता है एंड अटेम्स मेड टू एक्सप्लेन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग द टॉर्चर इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ठीक है कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करते हैं नेक्स्ट इज द सेट एंड सुपर कॉन्ट्रैक्शन सेट हैज बीन डिफाइंड एस ट्रीटमेंट दैट इनेबल्स अ केरेटिन फाइबर टू मेंटेन अ लेंथ ग्रेटर दैन इट्स ओरिजिनल लेंथ सुपर कॉन्ट्रेक्शन ऑल्दो नॉट अ स्ट्रेचिंग फिनोमिना इट इज अ कंडीशन इन विच अ केरेटिन फाइबर इज फिक्सड एट अ लेंथ लेस दैन दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इसमें क्या हो रहा है हमारा तो एक हमारे डिफाइंड ट्रीटमेंट एक हम एनेबल करते हैं कैरेटिन फाइबर टू मेंटेन इसमें हम क्या करते हैं जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से उसको बढ़ाने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं मतलब कंपेयर करने के लिए ठीक है सुपर कॉन्ट्रैक्शन ऑल दो नॉट अ स्ट्रेचिंग फिनिना जो सुपर कॉन्ट्रैक्शन है तो कि हमारा स्ट्रेच होने के बाद जो जितना वापस से अपने शेप पर आ रहा है वो स्ट्रेचिंग फिनिना तो नहीं है इज़ द कंडीशन टू तो विच अ केरेटिन फाइबर इज़ फिक्सड एट द लेंथ ठीक है ये कंडीशन है जिसमें हमारा जो कैरेटिन फाइबर है वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक फिक्स होगा लेस देन इट्स ओरिजिनल लेंथ अपने ओरिजिनल लेंथ के अलावा जो फिक्स लेंथ होगी जो आफ्टर द स्ट्रेचिंग हमें कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मिलेगी ठीक है सो दीज आर द मतलब यह हमारे तीनों क्राइटेरिया uh, है ऑफ मेजरिंग इट सो दिस इज ऑल अबाउट द हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ